अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ वन एग केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत छोटू सा बेंटू केक, जिसको लंच बॉक्स केक भी हम कहते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। वन एग से बनाएंगे, बहुत छोटू सा मज़े का लंच बॉक्स केक तैयार हो जाएगा। अपनी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिया है एक अदद अंडा। अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही हम यूज़ करते हैं। उसको मैंने बीट किया, इतना बीट करना है कि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून भर कर पिसी हुई चीनी, या फिर आप कह सकते हैं 25 ग्राम मैंने इसके अंदर शुगर का शामिल किया। पिसी हुई चीनी आपने शामिल करनी है। हल्का सा आपने इसको पहले मिक्स करना है ताकि चीनी उड़े ना। उसके बाद आपने बीटर को ऑन कर देना। और यहाँ पे देखें जी, हमारी रिबन कंसिस्टेंसी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं और आपकी ज़बरदस्ती रिबन कंसिस्टेंसी आ जाती है। अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने शामिल किया वनीला एसेंस। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया, या आप 1/2 टीस्पून से कम भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है बेकिंग पाउडर, वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून या फिर 25 ग्राम भर कर मेरे पास था मैदा। उसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पे छान लूँगी। आपने हमेशा मैदे को छान के ही अंडे वाले मिक्सचर के अंदर शामिल करना है, और बहुत हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने मैदे को मिक्स करना है जी अंडे के साथ, ताकि जो हमने फोम बनाया हुआ अंडे का वो बैठ ना जाए। अगर आप ज़रा सा भी तेज़ हाथ चलाएँगे, बहुत हल्के हाथ से यहाँ पर मैं काम करी। मैंने यहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, अदरवाइज़ मैं बहुत हल्के हाथ से सारा काम कर रही थी। और आपने हमेशा 2 या 3 पोर्शन में करके मैदे को शामिल करना होता है अंडे वाले मिक्सचर के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप एकदम सारे का सारा मैदा शामिल कर देंगे तो आपको जो मिक्सचर है वो बैठ भी सकता है, जो हमने फॉर्म बनाया है अंडे का वो बैठ सकता है। बस जैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आए कि मैदा जो है नज़र आना बंद हो गया, तो आप वहाँ पे मिक्सिंग को बंद कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास ये 4 इंच का छोटू सा मोल्ड जो बेटो केक के लिए होता है, ये मैंने मोल्ड लिया है। इसके अंदर सारे का सारा मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा, मोल्ड को आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, और मैंने यहाँ पर बटर पेपर भी लगा लिया था। सारे का सारा मैदा और जो मिक्सचर था हमारा, वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। इसके बाद हम इसको प्री हीट करेंगे। जो हमारे पास पतीले बेकिंग कर रहे हैं, तो हम इसको प्री हीट करेंगे पतीले को तकरीबन 20 मिनट के लिए, और हमारा जो बेंटू केक आराम से बेक हो जाएगा 15 से 16 मिनट के दरमियान। ओवन को आपने प्री हीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 10 मिनट के लिए, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तकरीबन 10 से 12 मिनट में आपका ये केक जो है तैयार हो जाएगा। टाइमिंग जो है मैं ओवन की विदाउट ओवन डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगी, या वहाँ से भी देख सकते हैं। 12 मिनट में बड़ा ज़बरदस्त सा विदाउट ओवन हमारा केक जो है बनकर आ गया था, और यहाँ पे ये ठंडा भी हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पंजी बना था हमारा केक। मैं आपको इसका बटर पेपर रिमूव करके दिखाती हूँ। इसकी हाइट बड़ी अच्छी आई थी, अगर मैं चाहती तो इसमें 3 लेयर्स के अंदर भी कट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर 2 लेयर्स के अंदर कट किया, क्योंकि बेंटो केक जो होता है ना, मिनी केक, इसको मोस्टली हम 2 लेयर्स में कट करते हैं, अदरवाइज़ इसका वेट जो होता है ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये हमारे पास 1/2 पाउंड केक भी इसको कहते हैं, या मिनी केक। और ये देखते हैं आप यहाँ पर कितनी ज़बरदस्ती जाली आई है। अब इसकी करेंगे जी फ्रॉस्टिंग। यहाँ पे मैंने केक बोर्ड लिया, उसके पे मैंने हल्की सी क्रीम लगाई है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको सोक करूँगी। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो ऊपर टॉप लेयर थी ना, मैंने पहले नीचे जो है टॉप लेयर रखी, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शुगर सिरप के साथ सोक करेंगे। सोक करने के बाद आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे स्पून लगा के देख रही थी कि बड़ा अच्छा सा सोक हो गया। आपने इसको सोक करना है, आपने इसको ओवर सोक नहीं करना। देन यहाँ पे नॉर्मल जो हम क्रीम लगाते हैं, व्हिप्ड कर ली थी मैंने क्रीम, क्रीम मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर देनी है। उसके बाद जी मैं अपनी फेवरेट सॉस लगाऊंगी यहाँ पे, कैरेमल सॉस, और साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी जी चॉकलेट सॉस। वैसे 2 तरह की सॉसेज मैंने इसके पे डाली हैं। डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसके बाद जी हम यहाँ पे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए चॉकलेट चिप्स डालेंगे। आपके पास ब्लैक हो, वाइट हो, कोई सी भी चॉकलेट चिप यहाँ पर डाल दें। मेरे पास ब्लैक थे इस टाइम, मैंने ब्लैक डाल दी चॉकलेट चिप। और ये डालने के बाद दोबारा बस हम इसको हल्के हाथ से ना प्रेस करें, ताकि हमारी चॉकलेट चिप ना ज़रा क्रीम के साथ अंदर की तरफ चले रहे हैं। देन सेकेंड लेयर रखेंगे। सेकेंड लेयर ये वो वाली रख रही हूँ जो हमारे पास नीचे वाली लेयर थी ना, ये अब मैं ऊपर रख रही हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सोक करेंगे शुगर सिरप के साथ। बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर शुगर सिरप को अप्लाई करना है। शुगर सिरप अप्लाई कर लिया आपने, देन आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने क्रीम व्हिप की हुई थी वो अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। सीधी सीधी हमने, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, आपने मेरी वीडियोस में देखा हुआ क्रम कोटिंग करते हैं, हमने इस तरीके से इसकी क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसको रख देंगे जी फ्रिज में तकरीबन 1/2 से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से क्रम कोटिंग जो है इसकी सेट हो जाए और क्रम से हमें मज़ीद नज़र ना आए। यहाँ पर बस मैं इसके अच्छे तरीके से फ्रॉस्टिंग करी, और यहाँ पर ये अच्छे तरीके से हमारी जो क्रम कोटिंग है हो गई है। अब 1/2 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाल के लाई हूँ मैं, तो इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। और अब इसके ऊपर मज़ीद हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। क्रीम अप्लाई करने के बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से नीट कर लेना है, और आपने इसके ऊपर जो बनाना है, जिस तरीके की आपने डेकोरेशन करनी है, आप इस तरीके से कर लें। बस इसके मैं एजेस जो हैं वहाँ पर शार्प कर रही हूँ, ताकि एजेस जो हैं बड़ी अच्छी सी हमारी फिनिशिंग आए।
और बस अच्छा इसके ऊपर ना मुझे राइटिंग करनी थी क्योंकि मैं आपको बेंटो केक सिखा रही हूँ, मिनी केक जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वैलेंटाइन डे स्पेशल केक था। तो बस मेरे पास टूथपिक थी, टूथपिक मैं ले ली है और यहाँ से बिगनर्स के लिए बड़ी स्पेशल टिप है कि आपने टूथपिक ले ली और इसे अपने हल्के हाथ से आप यहाँ पे बस क्रीम के ऊपर ना निशान लगा रहे हैं और उसके पास मैंने रेड कलर बना लिया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर फिल किया और उसकी नोक जो थी आगे से थोड़ी सी काट ली थी पतली सी, और उसके बाद बस जो मैंने यहाँ पर टूथपिक से लिखा था ना बी माइंड, तो बस उसके ऊपर मैं मुझे नज़र आ रहा था, बस मैं उसके ऊपर हाथ फेर रही थी और बस मैंने छोटा सा हार्ट बनाया था, उसके बाद छोटे छोटे हार्ट मैंने साइड पे बना दिए। यहाँ पे अब मैं जो अप्लाई करी ना ये स्प्रिंकल्स अप्लाई करी, तो बस ये मिनी केक हाफ पाउंड केक या बेंटो केक हमारा जो है वैलेंटाइन डे स्पेशल जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। 1 egg केक था ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेसिपी के पास तो बनता है आपका मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।